मैं आज सुशील कुमार MD UPMRC आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ है, जब कानपुर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यूपी मेट्रो आज से अंडरग्राउंड मेट्रो की टनलिंग का काम शुरू कर रही है। आपने अभी देखा कि हमारी जो टनलिंग मशीन है उसको हम लोगों ने नीचे ऑलरेडी उतार दिया था और आज उसके कटिंग का काम शुरू हो गया। तो ये बहुत शुभ दिन है और एक बहुत ही टफ टारगेट हम लोगों को मिला है। इतना टफ टारगेट किसी भी और मेट्रो ने किसी और जगह पे इतना जल्दी काम नहीं किया है। पास में भी लखनऊ मेट्रो के बाद में कानपुर मेट्रो का प्रायोरिटी सेक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनाया गया। उसी तरीके का लक्ष्य इस बार फिर से अंडरग्राउंड सेक्शन को पूरा करने का है। तो अभी ये मशीन यहाँ से काम शुरू करके अगले 6 महीने तक हम लोग इसमें कटिंग का काम शुरू करेंगे और बहुत जल्दी आपको हम एक नई मेट्रो एक्सटेंशन के साथ में देंगे जो कि अंडरग्राउंड में भी चलेगी। देखिए, अंडरग्राउंड में अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 4 स्टेशन इस फेज़ में हैं अभी, जिसका कि टारगेट पहले किया गया है। तो इसको हम लोग अभी 1 स्टेशन आगे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद में इस मशीन को निकाल करके दूसरे स्टेशन में डाल करके फिर दोबारा से टनलिंग करेंगे, क्योंकि कोशिश ये है कि इस मेथोडोलॉजी से जल्दी काम पूरा किया जा सके। देखिए, अंडरग्राउंड में काम करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे टनलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आम पब्लिक के हिसाब से वो ये है कि ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी सावधानियाँ बरती हैं, बहुत तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं। हमारी एक टीम है, एक्सपैट्रिएट्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं बाहर के देशों से, जो इसको मॉनिटर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग करीब 10 मीटर की खुदाई रोज करेंगे और सारी सुविधा सारी सेफ्टी के साथ में ये टनलिंग धीरे धीरे आगे चलती है। देखिए, ये एक टफ टारगेट है, हमारा अपना इंटरनल टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट दोनों को समन्वय कराते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल के अभी जो मार्च